किसान साथियों नमस्कार, किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज 25 जुलाई है और आज चंबा मंडी कवर करने का मौका मिला है, क्योंकि चंबा में जो है अंतर्राष्ट्रीय मिंजर फेयर की शुरुआत हुई है और इसी मिंजर फेयर को कवर करने के लिए किसान न्यूज़ आज पहुंचा है चंबा मुख्यालय में। और चंबा मुख्यालय पहुंचे हैं तो चंबा मंडी भी कवर करना बनता है और बहुत से साथी हमारे चंबा मंडी को लेकर कॉन्टैक्ट्स मांगते हैं व्यापारियों के, आढ़तियों के, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज चंबा मंडी का जो है वो बाज़ार क्या कुछ भाव है, क्या कुछ सौदे हैं। और छोटी मंडी है, मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी मंडी नहीं है, क्योंकि हमारे से बहुत से साथी टाइप करते हैं और वो जानना चाहते हैं चंबा मंडी का कितना माल खपत है और क्या कुछ अपडेट रहती है। तो पहले तो आपको यहाँ के लोकल सौदे जो रहते हैं वो आपको दिखाते हैं, और इसके अलावा बाहर से जो फ्रूट और सब्ज़ियाँ पहुँची हैं वो भी आपको बाज़ार उसका दिखाते हैं कैसा रहेगा। बाकी पहले आप एक दफ़ा जो है वो माल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, क्या क्या सौदे यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरह की क्वालिटी के जो है वो सौदे पहुँचे हैं। ये पक्का केला भी आप देख सकते हैं और ये मशरूम के पैकेट भी। इस मंडी में ज़्यादातर सौदे जो है वो पठानकोट मंडी से पहुँचते हैं या फिर अमृतसर मंडी से। बाकी हम आरती भाई जो हैं उनसे बात करेंगे और उनसे ही जानेंगे एग्जैक्ट डिटेल और खपत जरूर बताएंगे आपको इस मंडी में कितनी खपत रहती है, क्योंकि कई किसान भाई भी जो है वो यहाँ के रेट देखकर यहाँ जुड़ने की कोशिश करने का प्रयास करते हैं और हमें भी कांटेक्ट करते हैं। तो हम उनसे कहते ही हैं कि मंडी जो है वो इतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पर जो है वो आपका किसी एक माल का पूरा ट्रक जो है यहाँ पर आपका लग जाएगा। छोटी मंडी है, छोटे सौदे रहते हैं और ये मंडी जो है वो पठानकोट या फिर बाहर की मंडियों से माल लेकर जो है वो यहाँ पर सेकेंडरी मंडी हम एक से कह सकते हैं। हालांकि लोकल सौदे भी यहाँ आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बड़ी मंडी नहीं है कि यहाँ पर जो है वो लोडिंग का काम किया जा सके या कुछ और चीज़ें की जा सकी है। फिर भी आज आपको बाज़ार ज़रूर यहाँ का दिखाएंगे। आप ये नींबू देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लोकल आम भी यहाँ पर किसान लेकर पहुँचे हैं, और इसके अलावा सेब भी थोड़ा बहुत यहाँ पर लोकल आना शुरू हो चुका है। चंबा बेल्ट में भी सेब काफ़ी होता है और इसके अलावा सब्जियाँ भी यहाँ पर काफ़ी होती हैं। पांगी वैली जो कि मटर के लिए काफ़ी जानी जाती है, इसके अलावा और भी कई इलाके हैं। तो यहाँ के जो आरती भाई हैं उन्हीं से बात करते हैं और उनसे समझते हैं चंबा मंडी को कितनी बड़ी मंडी है, कितनी खपत है, क्या चीज़ें रहती हैं। तो आरती साहब नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम ज्ञान चंद शर्मा जी। और फोन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर? शॉप नंबर 10, मोबाइल नंबर 9850-17011 जी। तो शर्मा जी, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि ये मंडी, क्योंकि हमारे से बहुत से साथी जानना भी चाहते हैं चंबा मंडी के बारे में या डील भी करना चाहते हैं चंबा मंडी को, तो थोड़ा सा ये बताएं ये कितनी बड़ी मंडी है, रोज़ाना खपत कैसी रहती है यहाँ पर? ऐसा है जी, यहाँ पठानकोट मंडी नज़दीक है जी, यहाँ टोटल दो ही दुकानें हैं पठानकोट नज़दीक, हर आदमी हर दुकानदार अपनी अपनी टीका भर के ले आता है जी, वो अपना डील कर लेता है। यहाँ से आगे कोई मंडी नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो इसलिए यहाँ जिमदार बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम जी जिमदार नहीं आते हैं। लोडिंग नहीं होती है यहाँ? लोडिंग नहीं होती है, हम सिर्फ अपना खरीद के सौदा मंगवाते हैं जी और अपना ला करके बेच देते हैं। ठीक है। मार्केट कमेटी को 1% यूजर चार्ज दे देते हैं, जितना सामान आएगा 1% जी उनको दे देंगे। एक आइडिया हमारा कोई जिम किसान भाई या व्यापारी भाई, हम प्याज से आइडिया लेते हैं, डेली की प्याज की पूरी मंडी की खपत क्या है? मंडी की खपत कुछ नहीं है जी, मंडी की खपत दो, एक गाड़ी हमारे साथ वाले की आती है जी, कभी दो हो जाते हैं, कभी एक गाड़ी हमारी आती है, बड़ी गाड़ी से कभी पिकअप आती है, इतना खपत नहीं है इस मंडी में। मतलब डेली की एक पिकअप की खपत प्याज की हम माने, पिकअप नहीं गाड़ी की मान लो, सीजन पे बड़ी गाड़ी की जी 10-12 टन की मान लो सीजन पे, अभी ऑफ सीजन, तो ऑफ सीजन में तो वही 30-40 क्विंटल 50 क्विंटल माल एक आरती बेचता है, दो बंदे हैं जी, बाकी अपना वहाँ ले आते हैं नीचे पठानकोट से ले आते हैं, अपना 100 किलोमीटर पड़ता है, बड़ी मंडियों से ले आते हैं अपना जी। लोकल सौदे क्या चल रहे हैं और उनके बाजार क्या है? लोकल बंद गोभी चल रही है, टमाटर चल रहा है जी, टमाटर इस टाइम 2000-2500 का बिक रहा है, बंद गोभी 14-15 रुपये किलो बिक रही है, 50 से 55 तक बिक रही है, बाकी मौके की बात है, ज़्यादा आ जाए तो कम हो जाए, थोड़ा है तो जरूरत के मुताबिक ले लेते हैं। फूल गोभी?
फूलगोभी 40-50 रुपए बिक रही है। ये भी लोकल चल रहा है? हाँ जी लोकल चल रहा है। और खीरा भी चल रहा होगा लोकल? खीरा भी चल रहा है लोकल। क्या बाजार है? 15-16 रुपए किलो बिकता है। 15-16 रुपए? हाँ जी। धनिया? धनिया नहीं चलता आज का। अच्छा यहाँ नहीं धनिया? धनिया नहीं है। ठीक है। बाकी मूली चल रही है जी। मूली का बाजार आज का 15-16 रुपए किलो है जी। 15-16 रुपए? हाँ जी 15-16 जी। और इसके अलावा बैंगन वगैरह कुछ चल रखता है? बैंगन नीचे से आ रहा है। अच्छा नीचे से। बैंगन बहुत ही महंगा है जी। 60 रुपए किलो बैंगन बिक रहा है जी। अच्छा। कभी बिका ही नहीं इतनी महंगाई हुई नहीं कभी जी जिंदगी में, हमने देखी नहीं इतनी महंगाई। टमाटर का भी बाजार कभी ऐसा सोचा नहीं था? कभी नहीं सोचा था जी जिंदगी में, नहीं सोचा था कभी, बेचा भी नहीं। 3-3 हजार और 37-37 टमाटर बिक गया जी। तो क्या आम आदमी क्या खाएगा वैसे? एक तरफ तो सरकार बोलती है ना जी की जिम्मेदार को बेनिफिट दो जी। जिम्मेदार को बेनिफिट हुआ था अभी यहाँ मैं तुम्हें चेक करने चल पड़े हैं, आप महंगा क्यों बेच रहे हैं और चून वाले को तंग कर रहे हैं जी। ये तो मतलब ऐसे ही है, ये चला हुआ गवर्नमेंट ने डायरेक्शन गवर्नमेंट पूरी करती है जी। एक तरह से बोलते हैं किसान को भाव दे दो, किसान को भाव दिया तो दूसरी तो चल पड़ते हैं चेकिंग वाले, आप महंगा क्यों बेच रहे हैं, 150 क्यों बेच रहे हैं, 200 क्यों बेच रहे हैं, उनके चलान करते हैं। अच्छा अब क्या बोले ऐसे ढोल मोल यही का जी। शिमला मिर्च? शिमला मिर्च नीचे से आ रही है जी 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। रेड येलो भी देख रहा हूँ जी। हाँ जी रेड येलो कैप्सिकम जो है? हाँ हाँ ये भी ऐसे 110-115 रुपए बिक रही जी। आजकल तो रेड येलो से महंगी आपकी दूसरी हरी हरी शिमला मिर्च महंगी बिक रही है जी। बाकी पुदीना वगैरह कुछ? पुदीना वगैरह आता है ये तो लोकल आता है जी। क्या बाजार है जी उसका? पुदीने का? पुदीने का 30-40 रुपए किलो। 30-40। भिंडी मौके की बात है, भिंडी बिक रही है 40-50 रुपए किलो। घिया? घिया भी 40 रुपए किलो। हरा टिंडा? टिंडा 50-60 रुपए किलो। नीचे से आगे बिक रहे हैं जी। हाँ, ये नीचे से बाहर के लेबर डलती है, फिर किराया डलता है जी, फिर कुछ सूख जाता है जी, तो 5% कमेटी मार्जिन देती है कि भाई 5% मार्जिन करो, हिसाब से हम भी बेच देते हैं जी। आलू प्याज क्या भाव चल रहे हैं जी? आलू प्याज प्याज के 2-3 भाव है जी भाई, 23 बिक रहा है, 24 बिक रहा है, 20 भी बिक रहा है जी। आलू देसी 15-20 रुपए बिक रहा है, जैसे जैसे लोट है, जैसे जैसे सब्जी की जैसी किस्म होगी वैसे ही बिकेगा बिल्कुल। और इसकी वरायटी होती है ना जी, जैसी वरायटी है उतना। पहाड़ी आलू भी देख रहा हूँ, पहाड़ी आलू बिक रहा है 18-20 रुपए किलो। 18-20 रुपए? हाँ जी। ये कहाँ का सीड होता है जो पहाड़ी आलू वाला? पहाड़ी आलू या शिमला ग्राट है, फिर यहाँ से साओ है, ये पीछे सलोनी है, तीसा है। अच्छा यहाँ से? यहाँ से। और सेब? सेब भी मैं देख रहा हूँ लोकल यहाँ पे है। सेब जो अब क्या बताएं जी, जो हल्की क्वालिटी होते हैं मंडी में ले आएंगे, बढ़िया क्वालिटी बाहर भेज देते हैं जी। जो बाहर नहीं बिकती है वो मंडी में ले आते हैं, फिर ये लो जी ले लो, ये देखो ना ऐसा से भेजा हुआ है तो क्या कर रहे हैं, लेना तो पड़ता है जिम्मेदार से, जो भी बाहर लेना पड़ता है, लेकिन अच्छा माल जो बाहर चला जाता है। क्वालिटी यहाँ पर नहीं आती? क्वालिटी नहीं आती, सेकेंड ग्रेड। अच्छा यहाँ ऐसा है ना जी, लदान कोई नहीं है बाहर का, लदान कोई नहीं है। लदान तो तभी होगा जब यहाँ का प्रोडक्ट निकलेगा। क्या छोटे छोटे दुकानदार एक पिकअप डाली है गांव से भरते हैं ब्रांड को, जल्द अमृतसर चले जाते हैं जी, काम ही खत्म कर देते हैं। तो सेब के बाजार कैसे चल रहे हैं जी? सेब का रेट क्या चल रहा है? इस तरह की क्वालिटी सेब का रेट अच्छा है ही नहीं जी, कोई छोटा मोटा आता है तो 30-40 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये ऐसे भी जाता है जी। अच्छा जी। और बात करें हम इसके अलावा और क्या चीज़ें आपके पास हैं अवेलेबल? सब कुछ होता है। लोबिया? लोबिया आ रहा है? नहीं लोबिया नहीं आ रहा। अच्छा लोबिया नहीं आता है, लोबिया नहीं आता। और इसके अलावा गाजर? गाजर आ रही है, मिट्टी वाली आ रही है यूपी की जी, बाहर से आ रहे सारे सब। हाँ जी यहाँ तो बस सिर्फ यही है। अदरक? अदरक के बाहर से आ रहा है। अच्छा क्या प्राइस है जी? अदरक इस टाइम बिक रहा है जी 250 रुपये के जी। बिल्कुल 350 का बाजार हर जगह चल रहा है। और आपका अरबी जी? अरबी 40-45 रुपये किलो बिकते हैं, डेली के भाव हैं जी नीचे से। हाँ जी मंडियों में होता है 10 गाड़ी आएगी तो सस्ता होकर एक दो ही गाड़ी आएगी से पास, तो अपनी मर्जी रेट लगाते हैं, तो हमें तो खरीदना पड़ता है जी, जी। हमने दुकानदार को अपने प्रोवाइड करानी है हर चीज, बिल्कुल सस्ती महंगी उनको प्रोवाइड कराना पड़ती है। हाँ जी। फ्रूट? फ्रूट में बात करें जी, फ्रूट सर केला चला है यहाँ। क्या क्रेट सैकड़े के हिसाब से बिकता है जी? नहीं यहाँ क्रेट के हिसाब से बिकता है, 15 किलो केला होता है जी 600 रुपए का, 550 क्रेट बिक जाता है 15 केजी का। हाँ जी। और इसके अलावा अनार? अनार बिक जाता है 120 रुपए किलो तकरीबन, 1200 का डब्बा, कभी 1300 का डब्बा जी, कभी 1000 का डब्बा, जैसे जैसे मार्केट नीचे से आ जाए वैसे ही हम बेच देते हैं जी।
अमरूद, अमरूद बिक रहा है 70-80 रुपये किलो जी। नारियल, अच्छा सर, नारियल बिक रहा 30-35 रुपये, बड़ा 35 रुपये ज़्यादा, छोटा 30 रुपये बिक जाता है। डाब वाला नारियल भी आता है? डाब वाला भी आता है, उसका क्या भी बिक जाता है 50-55 रुपये का, कभी 50 बिकता है, कभी 55 बिकता है जी। हाँ जी, कीवी, कीवी भी नीचे से आती है, यहाँ लोकल भी तैयार हुई है, लेकिन कुछ लोकल के टाइम पे ऐसा ही है, कुछ पसंद नहीं करते हैं लोकल। जी जी जी। अच्छा, तेज मिर्च भी लोकल के नीचे से आती है? अच्छा, नीचे से। क्या बाजार है जी? 80 रुपये किलो ठीक है। मशरूम, मशरूम बिक जाता है कभी 130 रुपये, कभी 150 रुपये, ये नीचे की मार्केट में बेचते हैं, सौदा अपना मार्जिन करते हैं। हाँ, सेकंड मंडी है, नीचे से जो आएगा अपना खरीद करके लाएंगे जी, खरीद करके लाएंगे, अपना मार्जिन डालेंगे, किराया डालेंगे। और शर्मा जी, मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए अपना, 98050-12011। चलिए, थैंक यू। ओके सर। तो साथियों, हमने मोबाइल नंबर भी शेयर कर दिया है इनका, और ज़्यादा कुछ सौदे जो है वो यहाँ पर नहीं है। आम जरूर है, आम का भी प्राइस हम पता करते हैं। दूसरे आर्थिक भाई भी यहाँ पर है, उनसे भी हम कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, जैसे आम है, करेला है, ये कुछ एक आइटमें रहती हैं, तो वो भी हम अपडेट जो है यहाँ के भाई, कद्दू भी है और कद्दू का बाज़ार भी जानते हैं। तो चलिए साथियों, हम एक और आरती भाई हमारे साथ हैं। सर, शुभ नाम आपका? जोगिंदर पाल जी। और मोबाइल नंबर भी शेयर कर दीजिए, 98186-4409 जी। जोगिंदर जी, क्या कुछ लोकल सौदे आपके पास पहुंचे हैं आज? जी, टमाटर है, क्रॉस बीन है, पत्ता गोभी है जी, फूल गोभी है, आलू है जी। कद्दू, कद्दू क्या बाजार है जी आपके पास? कद्दू नहीं आता। अच्छा, करेला, करेला का बाजार 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। और भिंडी, भिंडी 50 ही है, 50 रुपए। मूली भी आ रही है जी लोकल? मूली आती है लोकल भी। अच्छा, पालक भी, पालक नहीं। अच्छा, धनिया ये बाहर से भी नहीं मंगवाते हैं? नहीं। अच्छा, मंगवाते नहीं, क्योंकि हमारे जो ग्राहक है ना, बहुत शरीफ ग्राहक है जी। धनिया वहाँ से आएगा 100 रुपए किलो जी, यहाँ रखा जाएगा, कोई मुँह रस्ते ले जाएगा, दो कोई मुँह रस्ते, कोई धुए रस्ते लेके जले जाए, भाग जाएंगे जी, पैसा कोई नहीं मिलेगा। आम, आम क्या बाजार है जी? आम यहाँ पर 25-40 रुपए। ये लोकल आम आ रहा है जी, किस बेल्ट से आ रहा है ये? शेरपुर से आ रहा है। अच्छा, काफी आम होता है यहाँ पे? आम होता काफी नहीं होता जी, ये होता है बस 5-7-10 दिन का सीजन होता है, सीजन होता है शेरपुर का जी, लेकिन हमारा जसूर से आ जाता है। अच्छा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ जाती है। अच्छा, काली तोरी क्या रेट है जी? काली तोरी 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। और कौन से सौदे आपके पास हैं जी? अच्छा, फ्रूट भी रहते हैं जी? फ्रूट, केला। अच्छा, अनानास वगैरह कुछ? अच्छा, माल्टा, संतरा। अच्छा, महंगे बाजार हैं थोड़े? नहीं, महंगे की बात नहीं है, सब्जी 50 रुपए किलो खा सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन वो फिर हमारे पास क्वालिटी ज्यादा हो जाती है, और फिर कोई ले जाता है, कोई रह जाता है। चलो रखा, ठीक है अंकल, ठीक है, तो सब्जी बेचेंगे जी। चलिए, थैंक यू, बस कुछ, थैंक यू। तो साथियों, ये था आज के बाज़ार, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने आपको बता ही दी है, और हम सिनेरियो इस मार्केट का हमने समझा दिया है आपको, कितनी बड़ी मार्केट है, क्या कुछ चीज़ें रहती हैं। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम को हम यही रुकते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको बेहतर जानकारी मिली होगी। तो देखिए, माल की अनलोडिंग जो बाहर से सौदे मंगवाए गए हैं उसकी यहाँ पर चल रही है, ये पूरा का पूरा कैंटर यहाँ पर पहुँचा है, और ये बाहर की मंडियों से ही यहाँ पर सौदे जो है ज़्यादातर आए हैं।